जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस। विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना होता है और आपके जो कमेंट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल की जाती हैं। तो पूरा वीडियो जरूर आपको देखना है दोस्तों। डेली रात्रि 12 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, तो रोज़ आप करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखें। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। साथ ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में वर्ग 3 से संबंधित शाम को क्लास होती है 6:30 बजे और रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास होती है। तो सभी लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी का नाम FIH ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया है। तो जल्दी से आपको बताना है किसका जो है नाम नामांकित किया गया है वर्ल्ड ऑफ द ईयर के लिए। तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो उत्तर होगा रानी रामपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही है। रानी रामपाल को जो है FIH ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से नामांकित किया है, के लिए नामांकित किया है, ठीक है। और जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, तो आपको याद रख लेना भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामांकित किया है। इसके लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों ने 25 खिलाड़ियों के नाम भेजे हैं, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया है, तो किसे किया है, रानी रामपाल को किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने जल्द ही किस देश से पाम ऑयल का आयात बंद करने की घोषणा की है। तो कहाँ से की है, वो की है मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मलेशिया से हाल ही में भारत ने जो है पाम ऑयल को जो आयात होता है उसको बंद करने की घोषणा की है। भारत ने जल्द ही मलेशिया से पाम ऑयल आयात बंद करने की घोषणा की। पिछले वर्ष भारत ने मलेशिया से करीब 5 लाख टन पाम ऑयल आयात किया था, ठीक है। तो हाल ही में ये जो है आयात बंद करने के लिए घोषणा की है। अगला है, चीन ने ड्राइवलेस कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। और ये क्या है, ड्राइवलेस है। चीन ने ड्राइवलेस कितने किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। तो ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो इसका सही उत्तर होगा 350। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और ये ड्राइव लेस है और ये दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है। चीन ने हाल ही में ड्राइव लेस और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का बीजिंग से झांग जियाको के लिए सफल परीक्षण किया। चीन ने कहा कि इस ट्रेन की हाई स्पीड बरकरार रखने के लिए इसका संचालन रोजाना होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2021 कब शुरू की जाएगी। तो जल्दी से आपको बताना है, जनगणना 2021 आपको पता होगा कि ये 16वीं जनगणना है और ये 16 भाषाओं में होगी, ठीक है। अभी कब से शुरू हो रही है, तो ये हो रही है अप्रैल 2020, यानी जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2021 इस वर्ष अप्रैल 2020 से शुरू की जाएगी। 2021 की जनगणना एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से की जा रही है। यह जनगणना 30 सितंबर 2020 तक पूरी की जाएगी और वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में महापंजीयक या जनगणना आयुक्त हैं, तो वे हैं विवेक जोशी जी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कितनी भाषाओं में हो रही है जनगणना, तो आपका उत्तर होना चाहिए 16। और ये कौन सी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना है, ठीक है। और अप्रैल 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये पहली बार है कि किसी मोबाइल फोन के एप्लीकेशन के माध्यम से जनगणना की जाएगी।
तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सातवीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कितने जीता है? तो जल्दी से आपको कमेंट अगर आपसे बनता है तो जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाए लद्दाख। लद्दाख ने हाल ही में जो है सातवीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। अगला हमारा सॉरी सातवीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता लद्दाख ने। लद्दाख ने फाइनल मैच में दिल्ली के खिलाफ 2 गोल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो है एल कुमार, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, सातवीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है लद्दाख ने। अगला हमारा प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा 84वां, यानी जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान है वो 84वां है। अब पहले स्थान पर कौन रहा है? तो जो है पहले स्थान पर रहा है जापान। जापान का पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है, और वर्तमान में हैनले एंड पार्टनर्स के जो अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन कैलन हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ दोस्तों, 2020 में भारत की जो विकास बैंक है वर्ल्ड बैंक ने लगाया है, तो उत्तर होगा 5%, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है जो है 2020 में भारत की विकास दर 5% लगाने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 5% रहने का अनुमान लगाया, साथ ही भारत की विकास दर 2021 में 5.8% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास। ये चीज भी याद रखनी है, डेविड आर मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को किस बैंक ने मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को दी है, तो वो किसने दी है? वो दी है RBI, यानी जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को RBI बैंक ने मंजूरी दी। इस कदम से दूर दराज के ग्राहकों को मदद मिलेगी। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये चीज़ भी याद रख लेनी है। अगला हमारा प्रश्न है, आवास और शहरी विकास निगम हुडको का नया MD और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताओ, ये 4 विकल्प हैं, है ना, आवास और शहरी विकास का नया MD और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा एस नागराज, यानी जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाए। एस नागराज को जो है आवास शहरी और विकास निगम का MD और अध्यक्ष चुना गया है। आवास और शहरी विकास निगम का नया MD अध्यक्ष नागराज जी को चुना गया है। वर्तमान में हुडको के जो राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किसने कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसने की है? ये की है ICAR। ICAR मतलब जो है विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत देश में कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिए कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना की है, जिसकी स्थापना अगले वित्त वर्ष में की जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की है, तो आपका उत्तर होगा ICAR मतलब जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को उपन्यास के लिए किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन के कौन से प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इनका उपन्यास कौन सा है आपको बताना है, और इसने बाल साहित्य पुरस्कार, यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका जो उपन्यास है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। किसे? जसबिंदर बिलान को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस वर्ष नौसेना में शामिल हो सकता है? तो कब हो सकता है नौसेना में शामिल? तो ये हो सकता है 2021, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत 2021 में नौसेना में शामिल हो सकता है। यह 2020 तक पूरी तरह से संचालित होगा, और वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
अब दोस्तों आपको एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। हर रोज दिया जाता है, हर रोज आपके कमेंट शामिल किए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सभी लोग लिखेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दो उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग लिखेंगे, ये चार विकल्प हैं, सभी लोग विस्तृत रूप से भी लिख देना। और दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है, साथ ही फेसबुक पेज से सभी को जुड़ना है। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना IAS स्टडी ट्रैक, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज 6:30 बजे लाइव क्लास होती है, करेंट अफेयर्स GK से संबंधित है ना, पर्यावरण आदि संबंधित, और 9 बजे हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास होती है, तो जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कमेंट हैं पिछली वीडियो के। जी हाँ, सर्वप्रथम जो कमेंट किया है वो रवि जी ने किया है, बहुत बढ़िया रवि जी, इन्होंने पूरा विस्तृत रूप से लिखा है, धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी लोग लिखते रहें, और भी कमेंट देखते हैं। जी हाँ, अगला जो कमेंट आया है कि टेलीग्राम पर भी नहीं मिल पा रहा है, करेंट अफेयर्स PDF फाइल सेंड की है, राम प्रसाद जी आप देख लेना। सुमन जी इन्होंने भी लिखा है, बहुत बढ़िया है ना रवि जी और राम प्रसाद जी, पूरी की पूरी PDF मैंने सेंड कर दी है टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से ले लेना राम प्रसाद जी और सुरेंद्र कुमार जी, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। ठीक है, और कमेंट किया है सौम्या जी ने, बहुत बढ़िया, इन्होंने ऑप्शन सी बताया है, बहुत बढ़िया। रईस भाई जी, मोहम्मद सलीम जी और रवि जी, बहुत बढ़िया। नरेश कुमार जी है ना, अमितेश जी, मोहम्मद इरफान जी और कृष्णकांत जी, इन्होंने भी सही बताया है ना। सुखविंदर जी बहुत बढ़िया, हमेशा लिखते हैं। दर्शन रे और शारदा दुबे जी, जो बिहार बता रहे हैं लेकिन गुजरात सही है शारदा जी। नेक्स्ट है राव टेक्निकल है ना, गोरे लाल जी बहुत बढ़िया, तरुण शर्मा जी बहुत बढ़िया, अमित जी नाइस और MK वर्मा जी वेरी गुड, तो सभी लोगों ने विस्तृत रूप से लिखा है। दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और आपको दोस्तों शाम को 6:30 बजे जो है लाइव क्लास मिलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, वो ज़रूर देखें है ना, जो भी वर्ग 3 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी ऐसे साथी हैं तो वो ज़रूर देखें लाइव क्लास। 9 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, रात्रि 12 बजे करंट अफेयर्स ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।